फाइनली स्टेशन तो मैं पहुंच गया, लेकिन आज पोपट पे पोपट हो गया, जो कि मैं ट्रेन के अंदर जाके बताऊंगा। वैसे मैंने अपना फर्स्ट क्लास में ही रिजर्वेशन करवाया था, इस बार कूप तो नहीं मिला है, केबिन ही मिला है। आज स्टेशन में एंटर करने के लिए भीड़ भी बहुत था बस, एंड इस बार भी सेम, ना कोई थर्मल चेक हुआ, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी नहीं पूछा गया, मैं एकदम सिंपली स्टेशन के अंदर एंटर कर गया जैसा पहले आता था। फिलहाल मेरा ट्रेन आ रहा है, मैं अंदर जाके बाकी का बात करता हूँ। तो एग्जैक्ट टाइम में मेरा जो ट्रेन है वो चल पड़ा है स्टेशन से। इस ट्रेन का यहाँ से निकलने का टाइम था 10:10 और अभी हो रहा है 10:11। हाँ, तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं जा रहा हूँ रांची, हावड़ा टू रांची, और मेरा ये जो प्लान है अचानक से प्लान बना। ये जो ट्रेन है ये हावड़ा रांची फेस्टिवल स्पेशल कोई एक ट्रेन है, जो कि अभी स्पेशल इसको निकाला गया है, और मैंने जो टिकट बुक किया है इसके फर्स्ट क्लास में बुक किया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे। वैसे तो टूर देने लायक ज्यादा कुछ है नहीं, जो है नॉर्मल आपको दिख ही रहा होगा यही है, और रांची ज्यादा दूर भी नहीं है, 400-500 किलोमीटर होगा हावड़ा से। वैसे कमेंट करके बताओ रांची नाम सुनते ही आपको सबसे पहले किसका याद आता है। खैर, रवि का बात मैं बताता हूँ। मेरा जैसा कि मैंने बताया, मेरा अचानक से प्लान बना, मम्मी बोल रही थी कि लास्ट टाइम की तरह कुछ बना लेता है, तो मैंने मम्मी को कहा कि नहीं रहने दो, ऑनलाइन मैं कुछ ऑर्डर कर लूंगा। अब मैं बताता हूँ कि आज हुआ क्या। लाइक मेरे माइंड में था कि मैं कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगा, और जब मैं आ रहा था और मैं कुछ एप्स चेक कर रहा था जिससे मैं हमेशा खाना वगैरह मंगाते रहता हूँ, आपको पता होगा मैंने कुछ दिन पहले रेल रेस्टोर ऐप पे एक वीडियो भी बनाया था, वो आप लोगों ने काफी पसंद किया था। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो एंड होने के बाद मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जाके देख लेना। तो मैं सोचा अगर ट्रेन में खाना नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, मैं ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लूंगा, वो तो आ ही सकता है। और जैसा कि आपको ये पता है कि अगर आपको जिस स्टेशन में खाना चाहिए उससे कुछ एक दो घंटे पहले आपको ऑर्डर करना पड़ता है। जब मैं स्टेशन आ रहा था, कैब में था, तो मैं अपने लिए खाना ऑर्डर करने का सोच रहा था, मैं देखा कि कहीं से भी मेरा खाना वगैरह ऑर्डर नहीं हो सकता अभी, मतलब अभी रेलवे ने किसी को भी परमिशन नहीं दिया है कि आप ट्रेन के अंदर खाना डिलीवर करवा सकते हो। तो ये मेरे लिए गड़बड़ हो गया, क्योंकि मुझे वो रेडी टू ईट मील सब जो मिलता है ना वो उतना अच्छा नहीं लगता। हाँ चलो, बहुत ज्यादा मजबूरी है तब खा लूंगा। लाइक हम लोगों ने डिनर भी नहीं किया था और रात में कुछ अच्छा डिनर चाहिए था, तो अब मैं क्या ही कर सकता था। तो मैंने जो लास्ट वाला वीडियो बनाया था रेल रेस्टोर के ऊपर, मैं सोचा एक बार उनसे फोन में बात करता हूँ कि आप लोग कब, लाइक ये सर्विस वगैरह आप लोग का कब से स्टार्ट होगा वापस से, ताकि मैं आप लोग को भी अपडेट दे पाता। तो मैंने उनको कॉल करा और मैंने बताया अपना प्रॉब्लम कि लाइक मैं जा रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं आपके ऐप से खाना ऑर्डर करूंगा लेकिन मैं कुछ ऑर्डर ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कौन से ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, सारा डिटेल्स वगैरह मेरा लिया। तो मैं बता दूं, मैंने जो अपना एक फर्स्ट वीडियो बनाया था ना रेल रेस्टोर पे, वो जो मेरा वीडियो था रेल रेस्टोर के पूरे टीम मेंबर को बहुत अच्छा लगा था, एज अ गुड जेस्टर उन लोगों ने कहा कि हम आपके लिए खाना प्रोवाइड करवा देंगे। तो मैंने उनको बोला कि अभी तो रेलवे वगैरह अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप कैसे डिलीवर करोगे खाना। तो उन्होंने कहा कि जब वो खाना लेकर आ जाएंगे वो मुझे कॉल करेंगे, मैं स्टेशन के बाहर आके रिसीव कर सकता हूँ। तो मैं बोला चलो ये भी सही है। फिर मैं स्टेशन के अंदर आया, फिर उनका कॉल आया, फिर मैं बाहर गया और मैंने अपना खाना रिसीव किया, और जो मेरा खाना देने आया था ना, मैंने देखा वो प्रॉपर तरीके से मास्क ग्लव्स वगैरह सब कुछ लगा रखा था। तो सेफ्टी एंड हाइजीन काफी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं रेल रेस्टोरेंट वाले, और रेलवे को भी ये चीज देखना चाहिए, जो एकदम सेफ्टी एंड हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर रहा है, खाना एकदम अच्छे तरीके से डिलीवर करवा रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है। वैसे भी तो ट्रेन में अभी खाने के लिए कुछ अवेलेबल है नहीं, सिर्फ वही रेडी टू ईट मील सब मिलता है। खैर कोई नहीं, आप कमेंट में जरूर बताना कि आप क्या सोचते हो इस चीज को लेकर, लेकिन मेरे लिए तो अभी काफी बड़ा संकट था, मुझे भूखे जाना पड़ता रांची, वही अगर मजबूरी में वही रेडी टू ईट मील सब खाना पड़ता मुझे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता। लेकिन थैंक गॉड मैंने कॉल करा रेल रेस्टोरेंट वालों को, उन लोगों ने मेरे लिए फूड अरेंज करवा दिया। उन्होंने उससे पूछा भी था कि आप क्या खाना चाहोगे, लाइक चाइनीज टाइप का या फिर इंडियन या फिर क्या। तो मैंने बोला यार अभी रात का टाइम है तो कुछ हल्का इंडियन थाली टाइप का ही कुछ दे देना। अभी मैं भी खोल के देखा नहीं हूँ कि उसके अंदर क्या है, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ इस केबिन को, उसके बाद खाने के बॉक्स को भी अनबॉक्स करूंगा। तो आज मुझे मिला एक केबिन, और वैसे मैं बता दूं, जैसा कि आपको ही पता है कि इस पेंडेमिक के वजह से ना यहाँ पे आपको पर्दा मिलता है ना ही बेडशीट मिलता है, वही केबिन है, ज्यादा कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए। और एक चीज काफी अच्छा मुझे लगा, यहाँ पे मोबाइल होल्डर है, लाइट चलो काम कर रहा है लाइट, इधर भी मोबाइल चार्जिंग होल्डर है, और ये भी लाइट काम कर रहा है। बाकी देख लो, यही है मेरा डब्बा, है वैसे काफी साफ सुथरा ये। मम्मी यहाँ पे जुगाड़ लेकर आई है मेरा चाय, साथ में पानी भी मैंने अभी लिया, एंड नीचे एक डस्टबिन भी है, साथ में यहाँ पे बेल दिया हुआ है जो कि अभी यूजलेस है, एंड इधर आपको एयर फ्लो कंट्रोलर भी मिलता है, जो कि ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। इससे पहले जितना बार भी मैंने फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करा है मुझे ये नहीं दिखा है। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसका वॉशरूम। तो ये फर्स्ट क्लास का शावर एरिया है, ये देख लो, ये फर्स्ट क्लास का वॉशरूम है, जो कि मैं बोलूंगा काफी नॉर्मल है। यहाँ पे हैंड वॉश लिक्विड है जिससे आप अपना हाथ वगैरह धो सकते हो,
ज्यादा कुछ इधर के वॉशरूम में है नहीं दिखाने को। मेरा है सी केबिन। होप कि आप लोगों को इस ट्रेन का शॉर्ट टूर अच्छा लगा हो। है तो ट्रेन वैसे काफी साफ सुथरा। ये जो ट्रेन है स्टेशन से निकल पड़ा है, तो अब टाइम है थोड़ा पेट पूजा का, तो कुछ खा भी लिया जाए। तो ट्रेन खुले हुए ऑलमोस्ट 20 मिनट के आसपास हो गया है, और अगर रेल रेस्टोरेंट ना होता तो आज मैं इस अपने जर्नी में भूखा ही रह जाता। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं अपने मम्मी के साथ ट्रेवल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये दो थाली है, साथ ही इसमें भी कुछ है। वेट मैं दिखाता हूँ क्या है। इसके अंदर एक मास्क है, साथ में एक पेपर स्टॉप है और टिश्यू। मैंने सैनिटाइजर भी कहीं देखा था, तो पता नहीं सैनिटाइजर मुझे अभी कहीं दिख नहीं रहा है। वो छोटे छोटे पाउच में दो सैनिटाइजर मैंने देखा था, अभी नहीं दिख रहा है। अब इसमें क्या है ये मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, तो इसके अंदर स्वीट्स है। सही है यार। वेट, मैं सबसे पहले इसके ऊपर के कवर को हटाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो ये देख लो, रेल रेस्टोरेंट वालों ने मुझे ये डिलाइट बॉक्स प्रोवाइड किया है, जिसको आप थाली भी बोल सकते हो, वेज थाली। इसमें है राइस, आलू गोभी की सब्जी एंड एक पनीर की सब्जी, दाल, पापड़, इसके अंदर चपाती है, सैलेड एंड यहाँ पे मिठाई होता है, बट मिठाई इन लोगों ने अलग से दिया हुआ है। मेरे साइड से मैं जितने बार भी थैंक्स बोलूं उतना कम है। अब खाने का टेस्ट कैसा होगा कैसा नहीं, वो तो मैं आप लोग को बताऊंगा ही, लेकिन यार ये जो खाना इन लोगों ने प्रोवाइड करवाया ना, ये मुझे बहुत सही लगा। एंड इसमें भी यही सेम थाली है, इसलिए मैंने इस बॉक्स को खोल के नहीं दिखाया। ये मम्मी का है, ये मेरा है। खाने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा एक बात कहना चाहता हूँ। पता नहीं शायद आप लोगों को पता है कि नहीं है, इंडियन रेलवे अभी बहुत सारे अपने ट्रेनों में लाइक पेंट्री कार्ड जो कोचेस है उसको हटाया जा रहा है, और आगे भी बहुत सारे ट्रेनों में से पेंट्री कार्ड जो है उसको भी हटाने वाला है रेलवे। पेंट्री कार का खाना तो मैं क्या ही बोलूं, अगर आपका नसीब अच्छा है तभी आपको थोड़ा बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि दही के अलावा उनके पास कुछ भी अच्छा रहता होगा। मेरा तो आज तक पेंट्री कार्ड से कभी भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, अगर आपका रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। एंड ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रेलवे के पास तो अभी कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है। और खाने के मामले में आप भी जानते हो कि ट्रेन में अभी क्या मिल रहा है, वही सब उबला हुआ खाना, लाइक गर्म पानी डालकर रेडी टू ईट मील टाइप का खाना। सब लोगों को इस टाइप का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मुझे भी नहीं पसंद इस टाइप का खाना। मेरे हिसाब से जो भी लोग ट्रेन में ऑनलाइन खाना डिलीवर करवाते हैं, वो भी सेफ्टी एंड हाइजीन को पूरा मेंटेन करते हुए, उन सभी लोगों को परमिशन दे देना चाहिए कि हाँ जी अब आप ट्रेन में खाना डिलीवर करवा सकते हो, लेकिन सेफ्टी एंड हाइजीन को एकदम प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हुए। चलो अब टाइम है इस खाने को टेस्ट करने का। देखकर तो बॉस काफी सही लग रहा है। सबसे पहले इस चपाती और पनीर की सब्जी को खाता हूँ मैं, और हाँ अपने हैंड को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। एंड ये जो मटर पनीर है ना, ये तो और भी अच्छा लग रहा है। वाह, मटर पनीर इनका वाकई में बहुत ही अच्छा है। अब देखता हूँ इनका राइस कैसा है, और दाल देखो बॉस कितना गाढ़ा है, और ये आलू गोभी की सब्जी भी है साथ में। इनका जो दाल है ना भाई, काफी स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। एंड मैं देख पा रहा हूँ जो राइस है वो भी काफी अच्छे क्वालिटी का है। एंड ये जो आलू गोभी का सब्जी है ना, एकदम घर जैसा लग रहा है। इनके मटर पनीर को, चावल को और दाल को 10/10। एंड इसके अलावा यहाँ पे सैलेड और पापड़ भी है, और साथ में स्वीट्स भी है। इतना अच्छा खाना खाने के बाद ना रात में काफी मस्त नींद आने वाला है। तो खाना हो गया मेरा कंप्लीट, और खाना मैं बोलूंगा इनका बहुत ही अच्छा था। डिनर कंप्लीट करते करते हम लोग ऑलमोस्ट खड़गपुर पहुंच ही गए हैं। अच्छा स्टेशन भी आ गया, खड़गपुर भी पहुंच गया, और अभी टाइम कितना हो रहा है, 11:50 ऑलमोस्ट। अब अगर आप पूछते हो कि आप ये खाना ऑर्डर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो अफसोस अभी तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि रेलवे ने तो अभी तक किसी को भी परमिशन नहीं दिया है कि ट्रेन में खाना वगैरह आप डिलीवर करवा सकते हो। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बोल सकता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में इनके ऐप का एक लिंक मिल जाएगा, आप अपने फोन में इनके ऐप को इंस्टॉल करके रख लो। जैसे ही इन लोगों को परमिशन मिलता है और ये लोग खाना वगैरह ट्रेन में डिलीवर करवाना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही मैं आप लोग को इन्फॉर्म भी कर दूंगा, और प्रॉपर तरीके से एक वीडियो भी मैं बना दूंगा। ये काम आप लोग कर लेना, डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। चलो अब रात बहुत ज्यादा हो गया है, अब टाइम है सोने का, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही हम लोग रांची पहुंच जाएंगे, 5 बजे के करीब पहुंच जाएंगे हम लोग। दिक्कत क्या है कि जो मेरा होटल है ना, वहां पे मेरा जो चेक इन है वो 2 बजे दोपहर का है, रेडिशन का। अब पता नहीं इतने टाइम में क्या करूंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जैसा होगा वो तो मैं वहां जाके ही बता दूंगा, फिलहाल अभी जाता हूँ सोने के लिए। तो अभी हुआ है रात का 1:40, और अभी जस्ट हम लोग पहुंचे हैं टाटा नगर। इसके बाद इसका एक और स्टॉपेज है, उसके बाद रांची। चलो यही दिखाने के लिए मैं थोड़ा उठा था, फिर से जा रहा हूँ सोने के लिए।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। और रात में अगर मैं नींद की बात करूं तो मतलब ठीक ठाक सा नींद हुआ, ठंड काफी लग रहा था, बाहर काफी फॉग हो रखा है। चलो फिलहाल अभी थोड़ा फ्रेश हो जाता हूं क्योंकि थोड़ी देर में अभी स्टेशन भी आने वाला है। एंड जैसा कि कल मैंने बताया था, मम्मी साथ में चाय भी लेके आई है, तो ये मेरा चाय और साथ में ये रांची सिटी ऑलमोस्ट आ ही चुका है। चलो फटाफट पी लेता हूँ इसको। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का एग्जैक्टली 6 और अभी जस्ट हम लोग पहुंचे हैं रांची। पीछे आपको दिख रहा होगा स्टेशन आ गया है। चलो मैंने सारे सामान को तो समेट लिया है, अब बाहर निकलते हैं। और सुबह सुबह तो काफी ठंड है यहाँ पे, अब पता नहीं दोपहर में क्या हाल होता है। वैसे भी तो सारा दिन होटल में ही रहने वाला हूँ तो आइडिया नहीं है बहुत बाहर का क्या रहेगा। वैसे अच्छा लग रहा है रांची में आके। फाइनली रांची स्टेशन के बाहर तो आ गया मैं, लेकिन दिक्कत क्या है ना, जैसा कि रात में मैंने बताया था जो हम लोग का होटल का चेक इन है वो 2 बजे दोपहर का है। अब मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अभी आसपास देखना पड़ेगा कहीं जहाँ पे आराम से बैठ सके, फ्रेश हो सके। हाँ जी, ये रेलवे स्टेशन के पास से बुकिंग है जी, रेडिशन ब्लू। मुझे आइडिया नहीं है, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, कहाँ तीस्ता पुल है क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ तो देख लीजिए आप क्या करना है क्या नहीं करना है, कैंसिल करना है तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऊबर ओला का जो कंडीशन जो हमारे वहाँ है वो हर जगह है, अभी एक चीज़ पता चल गया। सबसे पहले उन लोगों ने लोकेशन पूछा, जैसे हमारे वहाँ पूछते हैं और वहाँ जाना होता है तो ठीक है, नहीं जाना होता है तो कैंसिल करते हैं, सेम वैसे ही है। जबकि यार मैं अच्छे लोकेशन में जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। खैर कुछ नहीं, देखते हैं, कुछ लोकल टैक्सी लेके जाना होगा। तो अभी जस्ट अपने रूम में मैंने चेक इन किया, मैं भी स्टे कर रहा हूँ रांची के रेडिशन ब्लू में और होटल काफी कमाल का है, इसका वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा इसके बाद। वैसे अगर मैं अपने इस छोटे से जर्नी की बात करूं तो वो अच्छा ही था मैं बोलूंगा। बाकी इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक और बार थैंक्स कहना चाहता हूं रेल रेस्टोरेंट को। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके ऐप का लिंक दे रखा है, जाके आप चेकआउट करो और डाउनलोड करके रखो। जैसा कि मैंने बताया, जैसे इनका सर्विस वगैरह चालू होता है तो मैं आप लोग को एक प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगा। इनके ऐप में आप ट्रेन का लाइव स्टेटस वगैरह भी देख सकते हो और पीएनआर वगैरह भी चेक कर सकते हो, तो आप इस चीज के लिए भी इनका ऐप यूज कर सकते हो, तो आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना। चलो अब वीडियो को मैं एंड करता हूँ, न्यू वीडियो को स्टार्ट करना है। वैसे रांची में बस एक दिन के लिए मैं हूँ, ज्यादा तो एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा, बस थोड़ा आसपास सिटी में घूम लूंगा मैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।